मंदसौर के सुवासरा में आज प्रदेश के मुख्य मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनसभा को संबोधित किया। वहीं मंच से जिले के लिए 300 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंच से कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर जमकर तंज कसा। शिवराज सिंह चौहान ने आरोप लगाते हुए कहा कि कमलनाथ ने प्रदेश के वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बना दिया था। वल्लभ भवन के दरवाजे विधायकों और आम लोगों के लिए खुले नहीं रहते थे, वह सिर्फ बड़े ठेकेदारों के लिए खुले रहते थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अभी समय संकट का है, मैं खुद कोरोना से लड़कर आया हूं। प्रदेश में कई विधायक संक्रमित हैं, प्रदेश की अर्थव्यवस्था चौपट है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान रोएगा नहीं। कहीं से भी पैसा लाना होगा लेकिन लाऊंगा, लेकिन प्रदेश को त्रस्त नहीं होने दूंगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्षेत्र को बड़ी सौगात देते हुए 1,21,000 करोड़ की सूक्ष्म सिंचाई योजना की घोषणा करते हुए कहा कि 3 साल में इस योजना के माध्यम से घर घर पीने का पानी पहुंचेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुवासरा सीट से भाजपा के उम्मीदवार कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग के लिए वोट मांगते हुए कहा कि अभी मैं सिर्फ टेम्परेरी मुख्यमंत्री हूं। जिस दिन हरदीप सिंह डंग चुनाव जीतकर विधायक बन जाएंगे उस दिन मैं स्थायी हो जाऊंगा, इसीलिए सभी को एकजुट होकर हरदीप सिंह डंग के लिए काम करना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सभा में विरोध करने मंशा बनाए कांग्रेसियों को पुलिस ने सभा स्थल से दूर ही नाकेबंदी कर रोक दिया। वहीं मुख्यमंत्री की सभा के दौरान संविदा शिक्षक अपनी मांगों को लेकर लगातार नारेबाजी करते रहे। तो वहीं साल भर से अनुकंपा नियुक्ति को लेकर भटक रहे पुलिसकर्मी जगमोहन की पत्नी और 3 बेटियां पहुंची थीं मामा से मिलने सभा स्थल, लेकिन नहीं मिले शिवराज। प्रदेश की जनता के मामा अपने सीतामऊ दौरे के दौरान बहन भांजी की आत्मा दुखाकर चले गए। दरअसल पुलिसकर्मी जगमोहन की मृत्यु के बाद करीब 1 साल से उनकी पत्नी व 3 बेटियां साल भर से भटक रही हैं। यही तीनों माँ बेटी इस आस में सीतामऊ पहुंची थी कि मामा उनसे मिलेंगे, उनके संघर्ष पर थोड़े विराम लगाएंगे, लेकिन मामा उनसे मिले ही निकल गए और 3 घंटे अब बहन भांजी धूप में तपती रही। इधर शिवराज के सीतामऊ दौरे पर गौर करें तो उपचुनाव की दृष्टि से ही यह दौरा माना जा रहा है। आम जनता की उम्मीदें अपने जनप्रतिनिधियों से स्वाभाविक होती हैं और यदि खुद सीएम आ रहे हों तो यह उम्मीदें परवान पर होती हैं। ऐसी ही उम्मीद भरी निगाहों से साल 2019 में निधन हुए पुलिसकर्मी जगमोहन की 3 बेटियां अपनी माँ के साथ इस सभा में पहुँची। उन्हें यह आस थी कि जिस अनुकंपा नियुक्ति की फाइल करीब साल भर से यहाँ वहाँ भटकाई जा रही है शायद उस पर मामा जी कोई आदेश कर दें। इससे पहले 2 घंटे तो यहाँ चारों माँ बेटी यहाँ धूप में तपती रहीं। इसके बाद जब सीएम यहाँ पहुँचे तो लगभग 1 घंटे तक उनसे मिलने की आस में जद्दोजहद करते रहे, लेकिन न तो मामा मिले उनसे न मुनासिब समझा, बल्कि स्थानीय किसी नेता नगरी में भी उन्हें सीएम से मिलवाने का कोई ठोस प्रयास नहीं किया और आखिरकार बेचारे तीनों भांजियों और एक बहन को निराश होकर लौटना पड़ा। विभिन्न विकास कार्यों के भूमि पूजन और लोकार्पण के साथ ही मामा ने भूलवश जिला पंचायत अध्यक्ष प्रियंका गोस्वामी को विधायक कहकर पुकारा। उनके इस भोजन के भी सियासी गलियारों में कई मैं झूठ नहीं कह रहा, मन में तकलीफ है। मध्य प्रदेश के बल्लभ भवन को कमलनाथ जी आपने दलालों का अड्डा बनाकर रख दिया था, दलालों का अड्डा। आप जनता की नहीं सुनते थे, हरदी बात चलो 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 चलो, इन्हें भी कह दिया चलो 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 चलो, बोले हम बच्चों को ढोर चराने की ट्रेनिंग देंगे, ये ढोर चरवाएंगे, बैंड बजाने की ट्रेनिंग देंगे। तो बच्चों ने बैंड बजा दिया, पता नहीं भगवान ने क्या किया कि वैसे ही बैंड बज गया सवा साल। अभी हमारे विधायक भाई यशपाल सिसोदिया वो भी कोरोना पॉजिटिव यहां हो गए, जगदीश देवड़ा जी का भी हार्ट का इलाज हुआ है, कई विधायक संक्रमित है, अर्थव्यवस्था ध्वस्त है, खजाने में पैसे नहीं है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान रोएगा नहीं। मेरे बहनों और भाइयों, कहीं से भी पैसा लाना पड़े मैं जरूरी काम रुकने नहीं दूंगा, किसी भी कीमत पे जरूरी काम नहीं रुकने दूंगा। और आज मैं कह रहा हूं, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो या पुलिस की भर्ती हो, जल्दी मैंने निर्देश दे दिए भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी,
ताकि हम बाकी रोज बेरोजगार नौजवानों को भी रोजगार के दूसरे रास्ते खोल सके। मिलते थे और कहते थे मैं बहुत परेशान हूँ। मैं इनका परेशान हो तो वहां काय को बैठे हो, लेकिन तब इनको लग रहा था कि नहीं कांग्रेस से जीता हूं कैसे छोड़ दूं। लेकिन अंततः इनने अलविदा कह के उस सरकार को गिराने का काम किया है। मैंने भी समय कहा बड़ी देर भई नंदलाला, बहुत दिन हो गए रे, और जल्दी आ जाते, लेकिन देर पहले आया हूं। हरदीप ने अच्छा किया, लेकिन हमने भी हरदीप के लिए अच्छा किया। हमने मंत्री बना के भेज दिया हरदीप डंग को। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने कहा कि ठीक है तुमने विधायक की छोड़ी है, हम मंत्री बनाते हैं। और तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, अभी तो मैं टेम्परेरी हूं भाई, परमानेंट तब होगा जब ये सरदार जीतेगा। आज जब मैं आया हूं तो कायमपुर माइक्रो इरिगेशन की योजना, ये योजना है 1,12,000 हेक्टर सिंचाई होगी इससे, 1,12,000 हेक्टर, एक हेक्टर में 2.5 एकड़, और 2.5 एकड़ के हिसाब से आप अगर लगा लें तो ये लगभग 3,00,000 एकड़ जमीन की सिंचाई इसमें होगी। इसकी लागत है 2,187,92,00,000 रुपया। आज मैं सीता बहू की इस पवित्र धरती पर इस योजना को, कायमपुर सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को स्वीकृत करने का ऐलान करता हूं। लेकिन मुख्यमंत्री हैं तो रास्ता तो निकालना पड़ेगा, और जिस सिंचाई योजना को भी हम स्वीकृति दे रहे हैं, और सैदरा करनाली तालाब सीतामऊ में जिसकी लागत 20,17,00,000 रुपया है, वो भी स्वीकृत करने का काम कर रहा हूं। आप लेकिन एक सरकार की 1.25 साल की, मैं सच कह रहा हूं, हमने तो सोचा नहीं था कि 1.25 साल बाद फिर से जाना है। ये तो पशुपतिनाथ भगवान की कुछ कृपा है। कोरोना काल में हर बड़ी खबर पर है न्यूज प्लस 24 की पैनी नजर। क्षेत्र की सबसे बड़ी खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए आपका क्षेत्रीय न्यूज चैनल न्यूज प्लस 24। क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज प्लस 24 के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बेल आइकन पर जाएं और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज प्लस 24 को, और पाइए सबसे पहले क्षेत्र की सबसे नई रोचक खबरें। YouTube चैनल के साथ ही आप टीवी चैनल पर भी ले सकते हैं क्षेत्रीय खबरों की जानकारी। जनता के मुद्दों को प्राथमिकता से उठाता रहा है न्यूज प्लस 24। आगे भी बना रहे आपका सहयोग। ज्यादा जानकारी के लिए करें YouTube चैनल न्यूज प्लस 24 को सब्सक्राइब, या RSC डिजिटल गरोड़ न्यूज चैनल पर देख सकते हैं प्रसारण रात 9 बजे, सुबह 8 बजे व दिन में 12 बजे प्रसारित होता है समाचार बुलेटिन। साथ ही यदि आप देना चाहते हैं कोई सुझाव तो करें कमेंट बॉक्स में कमेंट। न्यूज प्लस 24, सच्चाई आप तक।